हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। जब भी मन करे कुछ चटपटा सा, कुछ तीखा सा और कुछ अलग सा खाने का, यानी कि ऐसी सब्जी जिसे आप रोटी पूड़ी पराठा चावल किसी के भी साथ खा सकते हो, तो बहुत ही इजीली घर के सामान से आप इसे बना सकते हो। और आलू तो बच्चों को भी पसंद होता है, तो आज हम आलू की ही सब्जी तैयार कर रहे हैं जो बहुत ही सुपर डुपर डिलीशियस बनेगी। इसे आप रोटी पूड़ी पराठा चावल किसी के भी साथ खा सकते हो। और जब आपको कड़ाके की सर्दी लगी हो, खूब जुकाम हो, उस समय भी आप इस चटपटी सी सब्जी को बना के खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगेगी और आपका जुकाम भी सही होगा। तो इसमें हम ऐसा क्या यूज़ कर रहे हैं बता देती हूँ मैं आपको। आज हम जो सब्जी तैयार कर रहे हैं वो आलू और बरी से तैयार कर रहे हैं। ये है बरी, ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, घर में भी इसे आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हो। तो ये गरम मसालों और उड़द दाल या फिर मूंग दाल से तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे आप सब्जी में जब डाल देते हैं तो सब्जी का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। और इसे आप सर्दी लगे उस टाइम भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छी लगेगी, सर्दी भी आपकी सही होगी। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इस सब्जी के लिए हमने चार बड़े साइज़ के आलू को कट कर लिया है। एक हमने ले लिया है बरी, सरसों तेल, सब्जी बनाने के लिए हींग पाउडर, पानी, यहाँ पे हमने दो हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और 8 से 10 लहसुन की कलियों को ले लिया है। ये है दो बड़े साइज़ के टमाटर और यहाँ पे है दो बड़े साइज़ के प्याज, इन्हें हमने बारीक कट कर लिया है। 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर एंड 2 टेबल स्पून नमक। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी हम कुकर में बनाएंगे, फटाफट से बन जाएगी सब्जी। हमारे पास ये जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च है, इन्हें हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं पीस के। कुकर हमारा गर्म हो चुका है तो हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और अब इसमें जीरा डालेंगे। जीरा की जगह आप पंचफोरन भी ले सकते हो। हमें इसमें अपनी बरी को फ्राई कर लेना है। बरी को आप पहले ही फ्राई करके अलग निकाल सकते हो, हमने जीरा ऐड कर दिया है तो आप इस टाइम भी इसे फ्राई कर सकते हो। तो बरी को हमने लाल फ्राई कर लिया है, इसे बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना, यानी कि जलाना बिल्कुल नहीं है। 1/4 चम्मच हम ऐड कर रहे हैं 1/4 टेबल स्पून हींग पाउडर, प्याज, प्याज हो चुका है फ्राई। तो अब हम इसमें पेस्ट जो तैयार किए थे इन्हें ऐड कर देंगे और अब हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और इन्हें मिक्स करेंगे। थोड़ी देर तक इन्हें हम फ्राई कर लेंगे और अब हम ऐड कर देते हैं कटे हुए टमाटर। टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब हम इसमें कटे हुए आलू ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इन्हें हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो, वैसे इसे थोड़ा जूसी बनाते हैं और इसका जो रस होता है, यानी कि जो सूप होता है ना, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूँगी। मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक का वेट करेंगे। एक सीटी आ चुकी है, 1 सीटी का हम और इंतजार करेंगे। और दूसरी सीटी भी आ चुकी है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो गाइस सीटी भी खुल चुकी है और आप देख सकते हैं सब्जी रेडी हो चुकी है। हमने ये जो बरी लिया था, इसे हमें जब हमने इसमें पानी ऐड किया तभी हमें इसमें डाल के सीटी लगानी थी, बट हम भूल चुके हैं। तो कोई बात नहीं, हम इसे फिर से बंद कर देते हैं और हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगा लेंगे। तो 1 सीटी आ चुकी है, अब हम गैस को कर देंगे बंद
और सीटी खुलने तक का इंतज़ार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सब्जी बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये हमारी आलू बरी की सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप इसे खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसे आप गर्मा गर्म खाइए, चावल के साथ भी या रोटी से भी ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसके ये जो रस है ना, इन्हें आप पी के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। धनिया पत्ती से हमने कर दी है गार्निशिंग और ये हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी आज की ये चटपटी सी रेसिपी बताइएगा ज़रूर, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले और बहुत ही आसानी के साथ मिलते रहें। और जैसे मैंने गलती कर दी, इस बरी को पहले नहीं ऐड किया जब हमें सीटी लगानी थी, ऐसी गलती आप मत दोहराइएगा। आप बरी को भी आलू के साथ ही ऐड कर दीजिएगा और पानी डाल के सीटी लगा दीजिएगा।